भाई और बहनों नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ की सरकार को, चीफ मिनिस्टर को, सब मंत्रियों को, कांग्रेस के नेताओं को और हर कार्यकर्ताओं को आज बधाई देना चाहता हूँ। जो हमने वायदा किया था किसानों को 5,600 करोड़ रुपए देने का, वो वायदा आज हमने पूरा कर दिया है। आप जानते हैं हिंदुस्तान की सरकार दूसरे रास्ते पर चल रही है। वो 3 कानून लाई है, किसानों के विरोध कानून लाई है, और जो किसानों का है, जो उनकी आमदनी है, जो उनका भविष्य है, वो छीन कर दिल्ली की सरकार 2-3 बड़े से बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार और कांग्रेस की बाकी सरकारें दूसरे रास्ते पर चल रही हैं, किसानों की मदद कर रही हैं, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस की मदद कर रहे हैं, गरीबों की, मजदूरों की, युवाओं की, हमारी माताएं बहनों की मदद कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नोटबंदी की, GST लागू की, और आज आपको देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा ही नहीं कर रहा है। मगर छत्तीसगढ़ ने दूसरा रास्ता अपनाया, किसानों की मदद की, और हमारी जो इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी है, वो इसके कारण मजबूत हुई। हमने पैसा रूरल इकोनॉमी में डाला और छत्तीसगढ़ में जो समस्याएं बाकी प्रदेशों में है, बाकी देश में है, वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ और इस रास्ते पे छत्तीसगढ़ की सरकार को और गहराई से चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।